दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो ने हिंदुस्तान को सुनाई खुशखबरी, लैंडर विक्रम से हुआ संपर्क। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चंद्रयान 2 के बारे में देख रहे होंगे, तो क्या आप जानना चाहेंगे इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ चंद्रयान 2 के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे जिसे जान लेना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है, जैसे कि चंद्रयान 2 को बनाने में कितना खर्चा आया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। मिशन चंद्रयान 2 के तहत भारत द्वारा लैंडर विक्रम जब शनिवार को चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था, उसी समय इसरो से चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था, जिसके बाद सभी भारतवासियों की उम्मीद टूट गई थी। लेकिन अब इसरो ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो के मुताबिक विक्रम सुरक्षित है और इसमें कोई भी टूट फूट नहीं हुई है। लैंडर विक्रम से संपर्क बनाने की कोशिश जारी है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि हम लैंडर के साथ संचार को फिर से स्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। रविवार को इसरो ने चांद की सतह पर लैंडर विक्रम के लोकेशन का फिर से पता लगा लिया है। खुद इसरो के चेयरमैन के सिवन ने इसकी पुष्टि की। साथ ही इसरो ने यह भी बताया कि ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की एक थर्मल इमेज भी क्लिक की है, और साथ ही साथ इसरो ने यह भी बताया कि विक्रम लैंडर चांद की जमीन पर अपने तय स्थान से करीब 500 मीटर दूर गिरा है। यदि उससे संपर्क हुआ तो वह वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में वह टेक्नोलॉजी है कि वह गिरने के बाद भी खुद को खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क हो जाए और उसे कमांड रिसीव हो सके। हालांकि इस काम के सफल होने की उम्मीद सिर्फ 1% है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक का मानना है कि कम से कम 1% ही सही, लेकिन उम्मीद तो है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि विक्रम लैंडर के नीचे की तरफ 5 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसके जरिए इसके चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसके अलावा विक्रम लैंडर के चारों तरफ भी थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जो अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान उसकी दिशा तय करने के लिए ऑन किए जाते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि ये थ्रस्टर्स अभी भी सुरक्षित हैं। आपको बता दें, लैंडर के जिस हिस्से में कम्युनिकेशन एंटीना दबा है, उसी हिस्से में ये थ्रस्टर्स लगे हैं। यदि पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए कमांड को सीधे या ऑर्बिटर के जरिए दबे हुए एंटीना ने रिसीव कर लिया, तो उसके थ्रस्टर्स को ऑन कर दिया जाएगा। थ्रस्टर्स ऑन होने पर विक्रम एक तरफ से वापस उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यदि लैंडर विक्रम दोबारा खड़ा हो गया तो इस मिशन से जुड़े वे सभी प्रयोग हो पाएंगे जो पहले से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को लेकर तय किए थे। और दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 2 को बनाने में कुल लागत 1000 करोड़ रुपए लगा है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि चंद्रयान 2 को बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगा है। तो दोस्तों इसके लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों एक लाइक तो जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।